सुप्रभात दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या युक्तियुक्तकरण के बाद छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती सरकार के द्वारा की जा सकती है? क्या बार बार पूर्व शिक्षा मंत्री एवं प्रदेश के जितने भी प्रमुख हैं उनके द्वारा लगातार जो है भर्ती को लेकर बयानबाजी की जाती है? आखिर वास्तव में क्या प्रदेश में शिक्षक भर्ती आएगी? आज इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए सबसे पहले मैं पूर्व शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के शिक्षक भर्ती को लेकर जो बयान दिया उस वीडियो क्लिप की तरफ मैं सर्वप्रथम आता हूं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है जो 6 महीना हुआ आप इंतजार करो, सरकार निर्णय करेगी और युवाओं के भविष्य को बनाएगी और जल्द से जल्द उसके ऊपर बनेगा। अभी आपने वीडियो क्लिप को देखा जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री जी का यही कहना है कि अभी तो प्रदेश में सरकार बने सिर्फ 6 माह ही हुआ है, अर्थात अभी बहुत लंबा है क्योंकि सिर्फ 6 माह का समय हुआ है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम प्रदेश में भर्ती करेंगे। ये कहना है प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का। तो देखिए साथियों, चूंकि ये जो कहते हैं या कोई भी जो मंत्रीगण हो, विधायक हो, अगर वो कह रहे हैं तो वो तो भर्ती आएगी, लेकिन आप ये चीज सोचिए अभी प्रदेश में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है जो कि अक्टूबर नवंबर तक चलेगी। युक्तियुक्त जो प्रक्रिया है वह जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी, अर्थात चुनाव के पूर्व तो कदापि जो है भर्ती आ पाएगी ये कह पाना मुश्किल है। चुनाव के बाद क्या होगा, प्रदेश की सरकार बार बार कह रही है कि हम जो युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं उसमें 13,000 शिक्षक जो है अतिशेष निकल कर आ रहे हैं जिनको विविध ऐसे विद्यालयों में भेजा जाएगा जो या तो एकल शिक्षकी है या शिक्षक विहीन है, अर्थात एकल शिक्षक की और शिक्षक विहीन की जो प्रॉब्लम है हमारे प्रदेश में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अर्थात प्रदेश में ऐसे स्कूल ही नहीं रहेंगे जो कि एकल शिक्षक ही हो या शिक्षक विहीन। ऐसे में अब तत्काल जो है भर्ती करना सरकार के लिए मुश्किल है क्योंकि जब प्रदेश में शिक्षकों की कमी ही उनको नजर नहीं आएगी तो फिर आखिर भर्ती क्यों। तो साथियों, तो ये भर्ती होगी कब? तो जिस तरह से सरकार के द्वारा बयान दिया जाता है उसके हिसाब से तो यही नजर आता है कि आने वाले 2-3 सालों के पहले भर्ती आ पाना मुश्किल नजर आती है। लेकिन इस भर्ती को हम जल्दी ला सकते हैं और जल्दी लाने के लिए आपको, हमें, हम सबको मिलकर प्रयास करना है। छत्तीसगढ़ डीएड बीएड कला संकाय, छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संगठन के द्वारा आज पुनः ट्विटर अभियान चलाया जाएगा 7:00 PM। आप इस ट्विटर अभियान का हिस्सा बने और जल्द से जल्द प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की जो मांग है वह उठाएं, क्योंकि अगर शासन जो है कम से कम इसके लिए घोषणा ही कर दे कि इतने पदों पर हम भर्ती लाएंगे, नोटिफिकेशन ही जारी कर दे इतने पदों पर भर्ती आएगी ताकि युवा साथी अपनी तैयारी करते रहे, मगर प्रदेश में भर्ती लाना तो दूर, जो स्कूल चल रहे हैं उसको भी बंद करने की स्थिति आ रही है। 4,000 स्कूलों का बंद होना न जाने कितने लाख बच्चों के भविष्य से खेलने का काम है साथियों, क्योंकि प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, पास के स्कूल में ही आप जब भेजते हो तो उनका जाना मुश्किल हो जाता है। तो वह 1 किलोमीटर यदि स्कूल जाएगा तो प्रतिदिन स्कूल जा पाना उन बच्चों के लिए मुश्किल है। इसलिए जो है स्कूल बंद करने के बजाय शिक्षकों की भर्ती को लाने में जोर देना चाहिए। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आप स्कूल बंद करें ये न्याय संगत मुझे नहीं लगता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, साथ ही जुड़े रहेंगे। जय हिंद।